हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ यू शेप का। बहुत ही अच्छे हेयर थे, बहुत ही स्ट्रेट थे और इनकी हेयर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो कैसे मैंने कट किया है सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। इससे पहले मैंने जुड़वा बच्चियों का हेयर कट किया था, जुड़वा बच्चियों का लॉन्ग टू शॉर्ट हेयर कट किया था, जिसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। और बहुत सारी लॉन्ग टू शॉर्ट हेयर कट की वीडियोज हैं, ऑल टाइप हेयर कट की वीडियोज मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। 800 से ऊपर वीडियोज मैंने अपलोड कर दी है, तो आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगा वो वीडियोज देख के। तो आज का हेयर कट है यू शेप हेयर कट, किस तरीके से करना है बहुत ही इजी तरीका बताया। मैं अपने हर वीडियो में कुछ डिफरेंट बताने की कोशिश करती हूँ और कुछ इजी, बहुत ही इजी तरीके से मैं बताती हूँ, ताकि आप लोग को ज़्यादा मतलब दिक्कत ना हो और इजीली आप समझ पाओ और अपना यूज कर पाओ उस तरीके को और सीख पाओ कुछ। और कुछ भी जानना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिसपे मैं अपनी ब्लॉगिंग वीडियो डालती हूँ, रेसिपीज डालती हूँ और जो मैं प्रोडक्ट खरीदती हूँ उन सबका रिव्यू करती हूँ, उसको यूज कैसे करना है, कैसा है वो प्रोडक्ट, सब कुछ बताती हूँ। तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत ही बहुत सारी जानकारियां भी मिल जाएंगी। तो इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का वीडियो है हेयर कट, तो हेयर कट कैसे करती हूँ वो देख लीजिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज, इतने सारे हेयर कट हुए हैं, जो कि मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी जुड़वा बच्चियों का हेयर कट कैसे किया था लॉन्ग टू शॉर्ट, तो आप चेक कर लीजिएगा। चेक नहीं किया तो आज मैं यू शेप हेयर कट बताने वाली हूँ आपको। तो इनका मुझे हेयर कट करना है, जो कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे पहले कटिंग सीट लगा रही हूँ। मैं सारे बालों को पहले गीला करके ही कट करती हूँ, क्योंकि गीला करके जब आप कट करते हो तो जो आपके बाल जब सूख जाते हैं तो वो परफेक्ट में आ जाते हैं। अगर आप ड्राई में ही हेयर कट कर दोगे तो जो गीले होते हैं बाल जब आप वॉश करते हो और कॉम करोगे तो आपके बाल ऊपर नीचे दिखेंगे, मतलब जो आपने शेप दिया है वो नहीं दिखेगा। इसलिए बालों को पहले गीला कर लीजिए, अच्छे से सुलझा लीजिए। जब एक भी टैंगल रहे तब तक आपको कटिंग स्टार्ट नहीं करनी है, पूरा अच्छे से सुलझ जाए, एक भी टैंगल ना रहे, कंघी अपने आप ऐसे फिसलने लग जाए, उसके बाद से आपको कटिंग स्टार्ट करनी है। तो पहले मैं इनके बालों को यहाँ पर गीला कर रही हूँ और उसके बाद से कटिंग स्टार्ट करूँगी। हर वीडियो में कुछ डिफरेंट बताने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो स्ट्रेट कट हो, चाहे यू शेप कट हो, डीप यू हो, एडवांस हो, लेयर्स ऑन एनी टाइप हेयर कट्स, मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट मैं हर वीडियोज में बताती हूँ। तो सारी वीडियो ध्यान से देखिए तो आपको सारी डिफरेंट समझ में आएगी और एक ही हेयर कट को आप अलग अलग तरीक़ों से कट करना भी सीख पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इनके बालों को गीला कर लिया है और लगभग इनके बाल अभी सुलझ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं इनको बीच का मांग निकालूंगी। बीच के मांग से जब आप स्ट्रेट कट कर रहे हो या यू शेप या डीप यू कर रहे हो, वी शेप हेयर कट कर रहे हो, इन सब में आपको बीच की मांग निकालना, मिडिल पार्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप साइड पार्टिंग से कर दोगे तो आपका, जब आप बीच की पार्टिंग करोगे तो आपके हेयर मतलब बेकार दिखेंगे। इसलिए जब आप यू शेप, स्ट्रेट हेयर कट, वी शेप, डीप यू, ये सारे हेयर कट करते हो तो आपको मिडिल पार्टिंग करके ही करना है। ओके, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि इन सारे हेयर कटों में ये चार टाइप के जो हेयर कट हैं उसको मिडिल पार्टिंग से ही करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे मिडिल पार्टिंग कर ली है। अब इनका जितना भी लेंथ निकालना है वो मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। तो आप देख सकते हो बीच से थोड़े से हेयर इनके अजीब दिख रहे हैं, तो वहाँ से मुझे कट कर लेना है, मतलब इनका जो नीचे का वॉल्यूम है वो ख़राब सा दिख रहा है, तो वहाँ से जहाँ तक वॉल्यूम है वहाँ से हेयर को कट कर देंगे पहले। ओके, तो इतने हेयर में इनके वॉल्यूम नहीं था तो इतना मैंने पहले स्ट्रेट कट कर दिया। तो आप इस तरीके से भी स्ट्रेट हेयर कट कर सकते हो, परफेक्ट आ जाता है। ओके, तो ये तो हो गया स्ट्रेट हेयर कट। अभी इनको लाइट यू कट करना है, तो दोनों साइड से आप जो अपने बीच की मांग निकाल लिया ना, जो एकदम जो फेस के पास आपका जो लेयर होता है उस लेयर को इस तरीके से उठाओगे और बैक साइड में लेके आओगे, जहाँ से आपको मतलब गोलाई देना है, मतलब कट करना है, वहाँ से आपको इस तरीके से दोनों साइड के पार्ट लेयर्स को लेके एकदम सेंटर में लेके आना, बीच में, और वहाँ से आपको कट कर देना है। ओके, इससे क्या होगा कि आपको साइड का गाइडलाइन मिल जाएगा, जिससे आपके जो आप यू शेप करोगे तो दोनों साइड से ऊपर नीचे नहीं होगा और इक्वल हेयर कट आपका आएगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो इस तरीके से आप डीप यू कट करते हो तो वो भी, बहुत सारे तरीके वैसे बता रखे हैं मैंने, तो वो भी आप चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोनों साइड का हमको गाइडलाइन मिल गया कि हमको कहाँ तक से स्टार्ट करना है। नीचे का तो गाइडलाइन आपको मिल ही गया, लेंथ कितनी रखनी है और कहाँ से स्टार्ट करना है वो आपने ऊपर से देखा। तो वहाँ से इस तरीके से सीजर को तिरछा घुमाते हुए ऐसे कट करेंगे। ओके,
तो इस साइड से जैसे आपने कट किया सेम उसी तरीके से आप दूसरी साइड से भी कट कर दोगे। डीप यू की भी बहुत सारी वीडियोज हैं, ये सिर्फ लाइट यू है। तो इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ, ज़्यादा तिरछा नहीं ले जाना, उससे आपका हेयर वी शेप में चला जाएगा, इसलिए हल्का हल्का तिरछा करके सीजर को और कट करना है। चेकआउट ज़रूर करें, जब भी आप हेयर कट कर लेते हो तो उसको चेक ज़रूर करें। चेक करने से क्या होगा कि जो भी देखिए मैंने चेक किया तो इनके हेयर इधर से थोड़े से बड़े छोटे दिख रहे थे, तो उसको भी इस तरीके से कट कर लोगे। बार बार कॉम करके चेक ज़रूर कर लीजिए, जब तक आपको पूरा यकीन ना हो जाए कि आपके हेयर कट परफेक्टली आ चुके हैं, परफेक्ट कट हो चुका है, तब तक आप चेक कीजिए, जो भी एक्स्ट्रा निकलता है उसको कट कीजिए। उससे क्या होगा कि लंबे टाइम तक आपकी कटिंग बनी रहेगी और अच्छा सा लुक आएगा आपके बालों का। अगर ये पोनी बनाती हैं, ओपन रखती हैं हेयर, तो भी देखिए फिर से मैंने कॉम किया, उधर के हेयर थोड़े से लॉन्ग दिख रहे हैं, तो इसको कट करेंगे। तो ये हमारा फाइनल लुक है, अभी मैं दिखा देती हूँ जूम करके, थोड़ा अच्छे से कॉम करके मैं चेक कर रही हूँ। तो मुझे अभी कहीं भी ऊपर नीचे नहीं दिख रहा है, मुझे एकदम परफेक्ट कट मिल चुका है जैसे मुझे कट करना था। थोड़ा सा यहाँ से ऊपर नीचे है तो इसको कट कर देंगे। ओके तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा फाइनल लुक है, लाइट यू कट, यू शेप हेयर कट का। तो आई होप आप लोगों को यू शेप हेयर कट का तरीका अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो, और आपने इंडियन यूट्यूबर प्रीतिवे चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, नहीं किया तो, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके स्क्रीन पे वो शो होने लग जाए, आप डायरेक्टली वहाँ से देख पाओ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो का। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहिए, मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का। अपना ख्याल रखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा आप लोग के प्यार के सपोर्ट की जरूरत है मुझे। बाय बाय।